बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू टू द 25th लेक्चर फॉर द सब्जेक्ट लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। एज वी हैव बीन डिस्कसिंग यूनिट 2 डिसऑर्डर्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड डिसफेरिया सिंस मैनी मैनी लेक्चर्स, एंड इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस डिमेंशिया विच इज़ अ डिसऑर्डर ऑफ लैंग्वेज ऑफ न्यूरोजेनिक ओरिजिन। तो इस लेक्चर में हम बात करेंगे डिमेंशिया के हवाले से। इससे पहले हम बड़ी डिटेल में 3-4 लेक्चर्स में बात कर चुके हैं एफेजिया पे। तो मेजर जो हैं इसमें जो डिसऑर्डर्स ऑफ लैंग्वेज ऑफ न्यूरोजेनिक ओरिजिन हैं उनमें हमने जिन डिसऑर्डर्स पे बात की उनमें एफेजिया, जिसमें कि हमने चाइल्डहुड एफेजिया पे भी उसके साथ ही बात कर दी थी, उसके बाद जो है ना ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी, और आज हम बात करने जा रहे हैं डिमेंशिया पे। तो हम देखते हैं कि ये टॉपिक क्या है, डिमेंशिया क्या है, और इसमें जो है ना वो कौन कौन से लोग आते हैं, कौन कौन से लोग फॉल करते हैं, और इसमें उनको क्या क्या इश्यूज पेश आते हैं। तो डिमेंशिया पे हम बात करने जाते हैं। हम अपने लेक्चर का बाकायदा आगाज़ एज़ यूजुअल जो है ना सूरह अल बकरा की आयत 153 से करते हैं, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनु आमनुस्ताईनु बिस्सब्र वस्सलात इन्नल्लाह मा अस्साबिरीन। ओ यू हु हैव बिलीव्ड, सीक हेल्प थ्रू पेशेंस एंड प्रेयर, इनडीड अल्लाह इज़ विद द पेशेंट। तो ये आयत आजकल के हालात के हवाले से बहुत ही फिट आती है, और हमें जो है ना अल्लाह ताला से सब्र और नमाज के साथ जो है ना वो अल्लाह ताला से मदद मांगनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला साबरीन के साथ है, सब्र करने वालों के साथ है। इस वजह से और जैसे हालात चल रहे हैं, हमें कितनी मुश्किलात का सामना है पूरी दुनिया में, जो है ना वो एक तरह का आप कह लें कि हिजान किसी कैफियत है। हर तरफ जो है ना वो डिप्रेशन और मुख्तलिफ तरह के नफसियाती मसाइल ने जन्म लेना शुरू कर दिया है, और कितनी टफ़ रूटीन चल रही है। तो इसमें सबसे बेहतरीन हल यही है कि हम अल्लाह ताला से सब्र और नमाज के साथ मदद मांगें। डिमेंशिया इज़ एन ओवरऑल टर्म फॉर डिजीज़ एंड कंडीशंस करेक्टराइज बाय अ डिक्लाइन इन मेमरी। तो सबसे बड़ी चीज़ जो है ना जो इसके साथ जुड़ी हुई वो मेमोरी है, बाकी इसके अलावा लैंग्वेज, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड अदर थिंकिंग स्किल्स दैट अफेक्ट अ पर्सनस एबिलिटी टू परफॉर्म एवरीडे एक्टिविटीज़। तो पहली बात तो ये है कि ये एक एम्ब्रेला टर्म है, एक ओवरऑल टर्म है फॉर डिजीज़ के उन बीमारियों और कंडीशंस के हवाले से जिनको हम कहते हैं कि ये जो है ना डिक्लाइन इन मेमोरी, लैंग्वेज, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड अदर थिंकिंग स्किल्स, जो कि एक शख्स के, एक इंसान की जो नॉर्मल फंक्शनिंग है, जो आम रोज़मर्रा ज़िंदगी के जो एक्टिविटीज़ हैं, जो काम उसने सर अंजाम देते हैं, तो उनमें रुकावट बन जाती हैं। डिक्लाइन इन मेमोरी, लैंग्वेज, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड अदर थिंकिंग स्किल्स, तो इन सब कंडीशंस का जो मजमूआ है, इन सब को हम ओवरऑल जो नाम देते हैं वो हम कहते हैं जी डिमेंशिया। मेमोरी लॉस इज़ एन एग्जांपल, और मेमोरी लॉस जो है वो इसकी एक बहुत बड़ी मिसाल है। अल्जहाइमर्स, जो कि अल्जहाइमर के नाम पे है, अल्जहाइमर्स इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डिमेंशिया। तो ख़ासकर जो है ना ये बूढ़े लोगों में जो है ना मेमोरी का इशू आता है, तो उसको अल्जहाइमर का नाम दिया जाता है, और ये अक्सर जो है ना वो लोगों में, और ये बहुत बड़ी कॉज है मेमोरी लॉस की और डिमेंशिया की। तो अभी तक जितनी को बात हुई है वो आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी कि ये एक कंडीशन और मुख्तलिफ कंडीशन और बीमारियों के मजमूए का एक नाम है डिमेंशिया, जिनमें के मेमोरी यानी याददाश्त में कमी, ज़ुबान में प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड थिंकिंग जो स्किल्स होती हैं हमारी, जो हमारी मसाइल हल करने के लिए हम जो सोच विचार करते हैं, थिंकिंग करते हैं, उसमें कमी का जो नाम है वो डिमेंशिया है। और अल्जहाइमर जो है वो इसकी एक बहुत बड़ी कॉज है, जो कि मेमोरी लॉस समझा जाता है, और स्पेशली
हम देखेंगे कि परकिंसंस डिजीज़, अल्जाइमर्स, ये मेजर जो है ना वो कॉजेज हैं डिमेंशिया की। डिमेंशिया इज़ नॉट अ सिंगल डिजीज़, तो ये बात जो है ना वो पहले भी हो चुकी है, अब मज़ीद इसको क्लियर किया गया है। इट्स एन ओवरऑल टर्म दैट कवर्स अ वाइड रेंज ऑफ स्पेसिफिक मेडिकल कंडीशंस इंक्लूडिंग अल्जाइमर्स डिजीज़, तो इसमें जो है ना ये भी शामिल है। डिसऑर्डर्स ग्रुप्ड अंडर द जनरल टर्म डिमेंशिया आर कॉज्ड बाय एबनॉर्मल ब्रेन चेंजेस, तो इनकी वजह क्या बनती है, वो एबनॉर्मल ब्रेन चेंजेस बनती हैं। दीज चेंजेस ट्रिगर आर डिक्लाइन इन थिंकिंग स्किल्स, और ये चेंजिंग्स जो हैं इनका अल्टीमेटली रिजल्ट क्या निकलता है कि ये थिंकिंग स्किल्स को जो है ना वो डिस्टर्ब कर देती हैं, उनको डिक्लाइन कर देती हैं, उनको कम कर देती हैं, वो मुतासर हो जाती हैं। आल्सो नोन एज कॉग्निटिव एबिलिटीज़, यानी जो हमारी थिंकिंग स्किल्स हैं, ये हमारी सोच विचार करने की जो है ना स्किल्स हैं, तो इनका टिपिकल जो नाम है वो कॉग्निटिव एबिलिटीज़ भी इनको कहते हैं। स्वेयर इनफ टू इम्पेयर डेली लाइफ एंड इंडिपेंडेंट फंक्शन, तो ये इस कदर शदीद होते हैं कि ये हमारी जो नॉर्मल लाइफ है, जो डेली लाइफ है, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, एंड इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग है, ये उसको मुतासर कर देते हैं। तो इसलिए फिर इसको भी एफेजिया में रखा गया है, चूँकि बोलने का अमल भी, उसमें भी हमें थिंकिंग करना पड़ती है कि हमने किस वक्त क्या बोलना है, कैसे बोलना है, तो इसलिए जो है ना ये अल्टीमेटली न्यूरोजेनिक ओरिजिन का जो है ना वो एक लैंग्वेज डिसऑर्डर है डिमेंशिया। दे आल्सो अफेक्ट बिहेवियर, फीलिंग्स एंड रिलेशनशिप्स, तो ये तो जाहिर सी बात है कि जब हमारे जो है ना वो सोचने समझने की, सोच विचार करने की सलाहियत मुतासर हो जाए किसी शख्स की, तो उसका बिहेवियर, फीलिंग्स एंड रिलेशनशिप्स ये भी उसके मुतासर हो जाते हैं, कि उसने बात कुछ करनी है वो कह कुछ और दे देता है, तो इस वजह से जो है ना वो, तो डिमेंशिया इज़ नॉट अ सिंगल डिजीज़, इट्स एन ओवरऑल टर्म दैट कवर्स अ वाइड रेंज ऑफ स्पेसिफिक मेडिकल कंडीशंस इंक्लूडिंग अल्जाइमर्स डिजीज़, डिसऑर्डर्स ग्रुप्ड अंडर द जनरल टर्म डिमेंशिया और कॉज्ड बाय अबनॉर्मल ब्रेन चेंजेस। These changes trigger a decline in thinking skills, also known as cognitive abilities, severe enough to impair daily life and independent functioning. They also affect behavior, feelings and relationships. अब मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि what is dementia. अगर हम symptoms की बात करें तो symptoms of dementia include, और ये vary करती हैं very greatly, मतलब इनमें बहुत फ़र्क होता है, किसी में ये बहुत माइनर हो सकती हैं और किसी में बहुत ज़्यादा हो सकती हैं। इसकी एग्जांपल जैसे प्रॉब्लम्स विद शॉर्ट टर्म मेमोरी, तो किसी शख्स में तो ये सिर्फ जो है ना वो प्रॉब्लम्स विद शॉर्ट टर्म मेमोरी होंगी, कीपिंग ट्रैक ऑफ अ पर्पस और वॉलेट, पर्स और वॉलेट, पेइंग बिल्स, तो कीपिंग ट्रैक ऑफ अ पर्स और वॉलेट, मतलब ये बहुत छोटे, किसी में सिर्फ जो है ना हो सकता है कि ये शॉर्ट टर्म मेमोरी में इशू, कईयों को जो है ना वो अपना जो है ना पर्स और वॉलेट संभालने में जो है ना वो इश्यूज़ हों, और कई लोगों को ये हो सकता है कि वो उनको बिल पे करते वक्त इशू आए, लेकिन ये होता है, और कईयों में हो सकता है ये सारी जो है ना वो क्वालिटीज़ या करेक्टरिस्टिक्स सिम्टम्स इकट्ठी हो जाएं, तो इनको हम कहते हैं कि ये जो है ना वो, और ये एग्ज़ाम्पल्स हैं। इसके अलावा हम पढ़ाई के हवाले से बात कर सकते हैं, रोज़मर्रा ज़िंदगी में कितने काम हैं जो कि हमने करने होते हैं, और कितने कामों में हमें सोच विचार करना पड़ती है, कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बच्चा जो है ना दुकान से कोई चीज़ लेने गया है, तो उसे एक जगह से नहीं मिली तो वो किसी दूसरी जगह चला जाएगा, तीसरी जगह चला जाएगा, लेकिन वो लेके ही आएगा। लेकिन अगर किसी को डिमेंशिया का इशू आ गया है तो वो कैसे जो है ना वो, उसे याद ही नहीं रहेगा कि मैंने और भी किसी शॉप पर जाना है, हो सकता है एक जगह पर उसे जाना याद रह गया हो, या उसे सिखा दिया गया हो कि भाई तुमने यहाँ पर आना, यहाँ से सामान मिलेगा, घर ले कर वापस आ जाओ। प्लानिंग एंड प्रिपेयरिंग मील्स, तो मज़ीद इस पर जो है ना वो, इसके सिम्टम्स पे हम बात करते हैं, तो वो कहते हैं प्लानिंग एंड प्रिपेयरिंग मील्स, कि खाना बनाने के लिए हमें जो है ना उससे पहले कितनी चीज़ें दरकार होती हैं, उनको किस किस तरतीब से क्या क्या जो है ना वो उसमें पकाने के भी लिहाज से, कुछ चीज़ों को पहले पकाना होता है, कुछ को बाद में जो है ना वो, और वो एक तरतीब है जो कि खाना पकाने वाले बेहतर जानते होंगे, बाकी खाने वाले तो जाना उनको तो एक ही तरतीब याद है। रिमेंबरिंग अपॉइंटमेंट्स,
इसके अलावा कि उन्होंने कहाँ पे जाना है, किसको वक्त दिया हुआ है, किसी ने उनको वक्त दिया हुआ है, तो अपॉइंटमेंट्स को याद करना भी इनके लिए इशू होता है, डिमेंशिया के जो के साथ जो लोग होते हैं। ट्रैवलिंग आउट ऑफ द नेबरहुड, तो अपने आस पड़ोस में जाना, ये भी उनके लिए एक बहुत बड़ा इशू है। मैनी डिमेंशियाज आर प्रोग्रेसिव, यानी कि ये वक्त के साथ बढ़ते जाते हैं, मीनिंग सिम्टम्स स्टार्ट आउट स्लोली एंड ग्रेजुअली गेट वर्स। तो ये प्रोग्रेसिव हैं, मतलब ये है कि शुरू शुरू में बहुत लो लेवल की जो है ना वो सिम्टम्स होती हैं, और बाद में हाई लेवल पे जो है ना वो सिम्टम्स चली जाती हैं, या बहुत ज़्यादा सिम्टम्स अपीयर होना शुरू हो जाती हैं, जाहिर होना शुरू हो जाती हैं, तो उनको ज़्यादा नुकसान पहुँचाना शुरू हो जाती हैं। तो प्लानिंग एंड प्रिपेयरिंग मील्स, रिमेंबरिंग अपॉइंटमेंट्स, ट्रेवलिंग आउट ऑफ द नेबरहुड, मैनी डिमेंशियस और प्रोग्रेसिव, मीनिंग सिम्टम्स स्टार्ट आउट स्लोली एंड ग्रेजुअली गेट वर्स। अब हम बात करते हैं कॉजेज ऑफ डिमेंशिया की। डिमेंशिया इज कॉज्ड बाय डैमेज टू ब्रेन सेल्स। तो सबसे पहली बात तो यह है कि सेल्स, चूंकि सबसे बुनियादी जो हमारा स्ट्रक्चर है वो सेल है, तो ये ब्रेन ब्रेन सेल्स में जो है, आप कह लें कि यूनिट है हर चीज़ की, एक इकाई है जिस पर वो बेस कर रही है हर चीज़, ठीक है। तो हमारे हर जिस्म के हर हिस्से में सेल्स हैं, अगर उन सेल्स में इश्यूज आना शुरू हो जाएं तो ज़्यादा मसाइल वाली बात होती है। तो डिमेंशिया इज कॉज बाई डैमेज टू ब्रेन सेल्स, दिस डैमेज इंटरफेयर्स विद द एबिलिटी ऑफ ब्रेन सेल्स टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। तो यही जो डैमेज, यही जो नुकसान हुआ है, यही जो मसला हुआ है, तो ये ब्रेन सेल्स को आपस में कम्युनिकेट करने से रोकता है, उसमें खलल डालता है। व्हेन ब्रेन सेल्स कैन नॉट कम्युनिकेट नॉर्मली, थिंकिंग बिहेवियर एंड फीलिंग्स कैन बी अफेक्टेड। तो जब हमारा ब्रेन, जो ब्रेन सेल्स हैं वो प्रॉपर जो है ना वो कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, तो नॉर्मल थिंकिंग में, बिहेवियर में और फीलिंग्स में जो है ना वो चेंजेस आ जाएंगे, ये अफेक्ट हो जाएंगे, इन पर जो है ना वो बुरे असरात मुरतब होंगे, तो जिसकी वजह से जो है ना वो इतने ज़्यादा इश्यूज हैं। तो डिमेंशिया की जो मेजर कॉज है, दैट्स द वीकनिंग और द डैमेज टू द ब्रेन सेल्स, ये हमें बात जहन में रखनी चाहिए। तो ये चूंकि ब्रेन सेल्स जो है ना वो ब्रेन में हैं, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हैं, तो अल्टीमेटली तो जो है ना वो आप कह लें कि ब्रेन सेल्स ने जो है ना वो कम्युनिकेट करना होता है। तो इवन आप जो चिप का मामला है कि जी यहूदी जो हैं वो ज्यूज़ वो एक चिप के ज़रिए ह्यूमन ब्रेन को कंट्रोल करना चाह रहे हैं, तो एक मुसलमान साइंसदान हैं, नाम तो इस वक्त मेरे जहन में नहीं, लेकिन कल संडे जो गुजरा है, कल का संडे यानी 21 जून को जंग में जो आता है उनका मैगजीन छोटा सा न्यूज़पेपर के साथ, उसमें जो ना बाकायदा उनका नाम और वो सारा कुछ ना पूरा आर्टिकल है कि उन्होंने एक जो है ना वो दिमाग के हिसाब से एक चिप तैयार की है, सिलिकॉन चिप जो कि ब्रेन में जाती है और ब्रेन के ही जैसा माहौल फराहम करके वो सारा कुछ। तो इसको आप लोग पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं, और वो जो है ना इसीलिए, और ये बड़ी खूबसूरती मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा, मैं इंशाल्लाह आप लोगों से शेयर भी कर दूंगा कि जो है ना ये आर्टिकल आप लोगों ने ज़रूर पढ़ना है। वो एक पाकिस्तानी निजात 50 साल जो है ना वो प्रोफेसर हैं वहाँ पे कैनेडियन यूनिवर्सिटी में, तो उनका जो है ना वो एक तो 21 जून के जंग में उनका जो है ना वो आया है, और उनसे पाकिस्तान के मिसाइल के हवाले से बात की गई। तो वो कहते हैं कि जनाब ये जो चिप है वो ये ब्रेन में जाएगी, और ब्रेन में जो सेल्स जो ना डैमेज हो चुके होंगे उनको वो करेक्ट करेगी, तो उनको वो दुरुस्त करेगी, उनसे कम्युनिकेशन करेगी, उनको जो है ना वो रिप्लेस करेगी, ठीक है। तो वो आप ज़रूर पढ़िएगा, तो इंशाल्लाह आपको बहुत बातें क्लियर होंगी। तो ये ब्रेन सेल्स का ही काम है, ठीक है। तो जब ये कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं तो इस वजह से जो है वो मसाइल आते हैं, तो ये कॉजेज ऑफ डिमेंशिया। मज़ीद हम कॉजेज़ पे बात करें, द ब्रेन हैज़ मैनी डिस्टिंक्ट रीजन्स। तो अभी हम जो है ना कॉजेज़ को बहुत डिटेल में जो है ना डिस्कस करेंगे। द ब्रेन हैज़ मैनी डिस्टिंक्ट रीजन्स, ईच ऑफ विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट फंक्शंस। जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं कि बहुत से, जैसे हमने वर्निक्स एरिया की बात की, रीजन की बात की, या ब्रोकाज एरिया की बात की, तो इस तरह ही कि उनका जिन जिन जिस जिस
एरिया का जिस जिस फंक्शन से ताल्लुक है। फॉर एग्जांपल मेमोरी, जजमेंट एंड मूवमेंट, क्योंकि डिमेंशिया का ज़्यादातर ताल्लुक जो है ना वो सोच विचार से है, तो इसलिए जो है मेमोरी, जजमेंट और एंड मूवमेंट की बात की गई। व्हेन सेल्स इन अ पर्टिकुलर रीजन आर डैमेज्ड, दैट रीजन कैन नॉट कैरी आउट इट्स फंक्शंस नॉर्मली। तो बड़ी जाहरी सी और बड़ी सीधी सी बात है कि वो रीजन्स जहाँ जिनको नुकसान पहुँच जाता है, तो जो जो फंक्शंस वो रीजन कंट्रोल कर रहे होते हैं उनके जो है ना वो सारे फंक्शंस मुतासर हो जाते हैं, दे आर अनएबल टू कैरी दोज फंक्शंस। तो ये जो है ना वो हमें बात बड़ी अच्छी तरह समझनी चाहिए कि ब्रेन के जो मुख्तलिफ पोर्शंस हैं वो मुख्तलिफ काम सर अंजाम देते हैं। द ब्रेन रीजन कॉल्ड द हिप्पोकैम्पस is the center for learning and memory in the brain, and the brain cells in this region are often the first to be damaged. That's why memory loss is often one of the earliest symptoms of Alzheimer's. ठीक है, तो hippocampus जो है ये एक brain का portion है जो कि ये hypothalamus thalamus के करीब होता है। तो the brain region called the hippocampus, इसका काम ही learning और memory है, और जब इसके ब्रेन जो है ना वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं सबसे पहले, तो चूंकि इसका काम ही सोच विचार है, याददाश्त है, याद करना है, तो जब यहाँ पे कोई डैमेज होता है तो अल्टीमेटली जो है ना वो मेमोरी लॉस शुरू हो जाता है। और अर्लीस्ट सिम्टम्स जो है ना वो याददाश्त का खोना है, कि अक्सर लोगों को चीज़ें याद नहीं रहती, वो जा कहीं और रहे होते हैं, लेकिन अक्सर लोगों से सुनने में आता है यार मैं घर का रास्ता जो है ना वो अक्सर भूल जाता हूँ, फिर मुझे काफ़ी दूर जाके याद आता हो मैं तो किसी गलत जगह पे आ गया हूँ, किसी और गली में आ गया हूँ। अक्सर जो है ना वो मतलब हम कमरे में कोई चीज़ लेने जाएं, तो आप लोगों के साथ भी किसी के साथ ऐसा होता होगा कि वो जो है ना जब कमरे में गया तो उसे याद नहीं आ रहा होता कि मैंने कौन सी चीज़ जो है ना वो लेके जानी थी, तो वहाँ पर फिर काफ़ी देर सोच विचार करके वो फिर सारा कंटेक्स्ट याद करके यार मैं मेरी बात क्या घर वालों से हो रही थी, मुझे किसने वो चीज़ लेने भेजा था, तो वहाँ से फिर याद आती है। लेकिन ये जो है ना ये कुछ छोटे मोटे मसाइल हैं, ये तो हमारे क्लियर हो जाते हैं जब हम दोबारा से याद कर लेते हैं। जब हम बात डिमेंशिया की करते हैं तो फिर जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता मेमोरी लॉस बढ़ना शुरू हो जाता है, और अल्जाइमर्स की यही जो है वो बुनियादी और शुरू की जो है ना वो सिम्टम्स हैं। मोर ओवर, फर्दर मोर, मजीद ये कि हम जो है मजीद अगर बात करें causes of dementia पे, तो different types of dementia are associated with particular types of brain cell damage in particular regions of the brain. पहले भी जैसे हमने बात की और बड़ी तफसील से बात की है, तो ये वही बात दोबारा से दोहरा रहे हैं कि dementia की जो different types हैं वो different types के brain cells के साथ, brain cells के damage होने के साथ जुड़ी हुई हैं, और वो खास किस्म के regions में जो है ना उनका। अब अगर हम बात करें कि Broca's area में for example वहाँ पर डैमेज हुआ था, तो वो जो ना एक्सप्रेशंस के था साथ था, और अगर हम देखें कि जो था रिसेप्शन के साथ जिसका ताल्लुक था वो वर्निक्स एरिया, तो इसी तरह यहाँ पर भी वही मामला है, यहाँ पर भी ब्रेन के वो हिस्से जिनका ताल्लुक जो है वो सोच विचार से है वहाँ पे ये इश्यूज आते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन अल्जाइमर्स डिजीज हाई लेवल्स ऑफ सर्टेन प्रोटीन्स इन साइड एंड आउटसाइड ब्रेन सेल्स मेक इट हार्ड फॉर ब्रेन सेल्स टू स्टे हेल्दी एंड टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। तो वो कहते हैं कि ब्रेन में जो प्रोटीन सर्टेन प्रोटीन्स होती हैं वो जो ब्रेन सेल्स होते हैं उनको हेल्दी और कम्युनिकेट विद ईच अदर जो है ना इसको करने में मुश्किल बना देती हैं, मुश्किल कर देती हैं। तो ये अल्जाइमर्स का जो है ना रिजल्ट निकलता है। फॉर एग्जाम्पल इन अल्जाइमर्स डिजीज हाई लेवल्स ऑफ सर्टेन प्रोटीन्स, के कुछ खास किस्म की प्रोटीन्स हैं इन साइड एंड आउटसाइड ब्रेन सेल्स, जो कि कहाँ कहाँ पे हैं इन साइड एंड आउटसाइड ब्रेन सेल्स, के वो कुछ जो है ना वो ब्रेन सेल्स के अंदर होती हैं कुछ बाहर, और वो मुश्किल कर देती हैं फॉर ब्रेन सेल्स टू स्टे हेल्दी एंड टू कम्युनिकेट विद ईच अदर, के वो जो है ना एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकें और अपनी हेल्थ को जो है ना बरकरार रख सकें। तो प्रोटीन का भी खास लेवल चाहिए होता है, ज़्यादा प्रोटीन जो है ना वो नुकसानदेह होती है, तो ये दोनों तरफ से है, यानी कुछ ब्रेन के अंदर हो जाती है, ब्रेन सेल्स के अंदर कुछ बाहर,
तो वो दोनों तरह से जो नुकसान पहुंचा रही होती है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिमेंशिया आर एसोसिएटेड विद पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ ब्रेन सेल डैमेज इन पर्टिकुलर रीजन ऑफ द ब्रेन। फॉर एग्जाम्पल इन अल्जहाइमर्स डिजीज हाई लेवल्स ऑफ सर्टेन प्रोटीन्स इन साइड एंड आउटसाइड ब्रेन सेल्स मेक इट हार्ड फॉर ब्रेन सेल्स टू स्टे हेल्दी एंड टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। तो इस तरह जो है ना ये कॉजेज ऑफ डिमेंशिया हमारी कंप्लीट हुई। अच्छा जी, चूंकि हम टॉपिक ही डिस्कस कर रहे हैं कॉजेज ऑफ डिमेंशिया, तो वो कहते हैं मोस्ट चेंजेस इन द ब्रेन दैट कॉज डिमेंशिया आर परमानेंट एंड वर्सन ओवर टाइम। थिंकिंग एंड मेमोरी प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय द फॉलोइंग कंडीशंस मे इम्प्रूव व्हेन द कंडीशन इज ट्रीटेड और एड्रेस्ड। मतलब कुछ जो है ना वो चेंजेस या डिमेंशिया कुछ तो परमानेंट होते हैं और कुछ वक्त के साथ साथ जो है ना वो बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाती हैं सिम्टम्स, और वो अफेक्ट करती हैं थिंकिंग एंड मेमोरी प्रॉब्लम्स, यानी इनको जो है ना वो परमानेंट कर देती हैं, बढ़ा देती हैं। तो कुछ जो है ना वो कंडीशंस इनके साथ अफेक्ट करती हैं, इनके साथ आप कह लें कि इसको डबल कर देती हैं। देखिए ना, मोस्ट चेंजेस इन द ब्रेन दैट कॉज डिमेंशिया आर परमानेंट एंड वर्सन ओवर टाइम। थिंकिंग एंड मेमोरी प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय द फॉलोइंग कंडीशंस मे इंप्रूव व्हेन द कंडीशन इज ट्रीटेड और एड्रेस्ड। तो जो मदरजा ज़ैल जो कंडीशंस हैं इनके साथ जो कॉजेज होंगी, जो मेमोरी और थिंकिंग में प्रॉब्लम्स आई होंगी, अगर हमें इन कंडीशंस को सॉल्व कर दें, इनका इलाज कर दें, तो वो कुछ इंप्रूव हो जाती हैं। लेकिन जो मोस्ट ऑफ द चेंजेस जो के ब्रेन में हो जाती हैं डिमेंशिया की वजह से या डिमेंशिया की जो वजह बनती हैं वो परमानेंट होती हैं और वक्त के साथ साथ वो जो है ना वो सीवियर हो जाती हैं, वो बदतरीन सूरत की तरफ ले जाती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो कंडीशन है वह डिप्रेशन। तो जो डिप्रेशन की वजह से आप कह लें मेमोरी में कोई इशू आया है, मेमोरी लॉस हो रहा है, या इंसान को की याददाश्त थिंकिंग स्किल्स जो है ना वो मुतासर हुई हैं, तो अगर हम डिप्रेशन को आप कह लें इसका इलाज कर देंगे, इसको ट्रीट कर देंगे, इसको एड्रेस कर देंगे, इसको बेहतर कर देंगे, तो वो तो बेहतर हो जाएंगी। मेडिकेशन साइड इफ़ेक्ट्स, तो कोई ऐसी मेडिसिन जो है ना वो पेशेंट्स ले रहे हैं जिसका के साइड इफ़ेक्ट्स हो गए हैं, तो अगर उनके साइड इफ़ेक्ट्स को कम कर दिया जाए तो भी सूरत हाल बेहतर हो जाती है। एक्सेस यूज़ ऑफ अल्कोहल, तो अगर कोई इंसान जो है ना एक्सेसिव यूज़ ऑफ अल्कोहल कर रहा है, शराब नोशी बहुत ज़्यादा कर रहा है, तो जो उसकी वजह से ब्रेन डैमेज हुआ है, जो मेमोरी में थिंकिंग स्किल्स में वीकनेसेस हुई हैं, अगर हम इसका इलाज कर देंगे तो वो भी बेहतर हो जाएगा। फिर थायराइड प्रॉब्लम्स, चूँकि थायराइड जो ग्लैंड्स हैं या इसकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमारे चूँकि ग्लैंड्स हैं वहाँ से सिक्रेशंस निकलती हैं, तो वो भी हमारी जो ना वो मेमोरी को नुकसान पहुँचाते हैं, तो इनका भी अगर ट्रीटमेंट हो जाए तो भी हालात बेहतर हो जाते हैं। फिर वाइटामिन डेफिशिएंसीज हैं, जो कि कहते हैं कि फॉस्फोरस जो है ना, हमें एप्पल खाने का मशवरा क्यों दिया जाता है, कहते हैं कि एप्पल में फॉस्फोरस होता है जो कि ब्रेन के लिए बहुत बेहतर होता है, तो एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, तो वो इसीलिए कहा जाता है कि वाइटामिन डेफिशिएंसीज हैं ये भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं कि हम वाइटामिन डेफिशिएंसीज ना होने दें, हम जो है ना वाइटामिन को भी कंप्लीट रखें, और इसके लिए हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स और इस तरह की अच्छी अच्छी चीज़ें जो है ना वो खाने की ज़रूरत है। तो वाइटामिन डेफिशिएंसीज जो है ना ये भी जो है ना वो डिमेंशिया की कॉज बनती हैं। अब मामला यहाँ पे ये है कि बैलेंस्ड डाइट वो इन सब मसलों का हल हो सकती है। इसके अलावा एक्सरसाइज और ब्रेन की खुद भी कई एक्सरसाइज हैं, उनकी हेल्प से हम कितने अच्छे तरीके से, तो डिप्रेशन, मेडिकेशन साइड इफ़ेक्ट्स, एक्सेसिव यूज़ ऑफ अल्कोहल, थायराइड प्रॉब्लम्स, वाइटामिन डेफिशिएंसीज, अगर हम इनको ट्रीट कर लें, अगर हम इनको बेहतर कर लें, अगर हम इनका इलाज कर लें, तो हालात मामूल पे आ सकते हैं, और जो इनकी वजह से मेमोरी में और थिंकिंग प्रॉब्लम्स आई हैं वो बेहतर हो सकती हैं। अब अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ डिमेंशिया की, तो डिमेंशिया इज़ अ जनरल टर्म फॉर लॉस ऑफ मेमोरी एंड अदर मेंटल एबिलिटीज़ सीवियर इनफ टू इंटरफेयर विद डेली लाइफ। तो डिमेंशिया जो है ये एक जनरल टर्म है फॉर लॉस ऑफ मेमोरी एंड अदर मेंटल एबिलिटीज सीवियर इनफ टू इंटरफेयर विद डेली लाइफ, जो कि पहले बात हुई थी, तो इसको आपने आप कह लें कि आपकी रिवीजन हो गई है और आपको मजीद समझने में आसानी हो जाएगी। इट इज़ कॉज्ड बाय फिजिकल चेंजेस इन द ब्रेन। अल्जहाइमर्स इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डिमेंशिया बट देर आर मैनी काइंड्स।
ठीक है, तो ये जो है ना पैराग्राफ आपको उम्मीद है समझ आ गया होगा। तो अल्जाइमर इसकी जो है ना वो कॉज भी हो सकती है और मोस्ट कॉमन टाइप भी है। अब हम जो है ना वो इसके कहते हैं कि LEWY यानी ल्यूई बॉडी डिमेंशिया, ये एक डिमेंशिया की कॉज है। और फिर इसके बाद जो है ना वो डाउन सिंड्रोम एंड अल्जाइमर्स डिजीज़ है। तो ये जो है ना टू कॉजेज ऑफ टू टाइप्स ऑफ डिमेंशिया। इसके अलावा और भी हैं, तो ये सिर्फ आप कॉजेज़ के अच्छी तरह जो है ना वो इन काइंड्स के इन टाइप्स के नाम याद कर लीजिएगा। तो ये सारी डिमेंशिया की कॉजेज़ हैं, टाइप्स हैं। आप देखें कि टाइप्स का हमें पता होना चाहिए, पता तो हमें चल ही गया है कि डिमेंशिया है क्या। मज़ीद अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ डिमेंशिया पे, तो फ्रंटो टेम्पोरल डिमेंशिया यानी फ्रंटल लोब और टेम्पोरल लोब, यानी अगर हम ब्रेन पे जो है ना फ्रंटल लोब है हमारे सबसे जो फोरहेड पे है फ्रंटल, फिर उसके बाद पैरिटल, फिर टेम्पोरल और नीचे कानों के बिल्कुल ऊपर करके ऑक्सीपिटल। तो फ्रंटो टेम्पोरल डिमेंशिया मतलब फ्रंटल हमारा ज़्यादातर चूंकि जो है ना वो थिंकिंग का काम जो है ना वो फ्रंटल लोब में होता है, तो इसलिए जो है ना वो इसकी अक्सर बात होती है। और अक्सर लोगों के जो है ना वो कहते हैं जी अब मतलब इसको सोचें परेशानियां ज़्यादा पड़ गई हैं, तो अब इसके बाल जो है ना यहाँ से उतरना शुरू हो गए हैं फ्रंट से, अक्सर लोग जो गंजे होना शुरू हो जाते हैं। तो फ्रंटो टेम्पोरल डिमेंशिया, तो यहाँ पे अगर यहाँ के जो फंक्शंस हैं वो ना हो पाए तो उसको जो है फिर हंटिंगटन्स डिजीज़ है, तो ये भी जो है ना वो डिमेंशिया की एक टाइप है हंटिंगटन्स डिजीज़। अब इनमें जो है ना वो फ़र्क सिर्फ इनके फंक्शंस का है, नामों का है, जिस किसी ने इजाद किया उसके नाम पे, जिस किसी ने उसको दरियाफ्त किया, जिस किसी ने उस पर काम किया पता किया, तो उनके नाम पे जो है ना वो हंटिंगटन्स डिजीज, परकिंसन्स, हंटिंगटन्स और अल्जाइमर्स। तो ये जो है ना ज़्यादातर जो है ना वो आप कह लें कि जब मेमोरी डीजनरेट होना शुरू हो जाती है एक ख़ास उम्र के बाद जो है ना वो, तो ज़्यादातर वहीं पर आ रहे होते हैं। फिर हंटिंगटन्स डिजीज़ है, ये भी डिमेंशिया की एक टाइप है। तो काम तो डिमेंशिया में वही होने हैं, मसला हमारी मेमोरी का ही है। फिर मिक्स्ड डिमेंशिया है कि जिसमें एक से ज़्यादा जो है ना वो टाइप्स मिलकर जो है ना वो डिमेंशिया की कॉज बने और उसकी मैनिफेस्टेशन हो, उसकी करेक्टरिस्टिक्स ही। फिर पोस्टीरियर कॉर्टिकल और एट्रॉफी, तो कॉर्टेक्स जो है ना मोटर कॉर्टेक्स और ये कॉर्टेक्स जो है ना ये ब्रेन पर जो है ना डिफरेंट कॉर्टेक्स, एक आप कह लें कि मुख्तलिफ पोर्शन हैं ब्रेन के जो कि खासकर जिनका ताल्लुक है मूवमेंट से, हरकत से। तो ये पोस्टीरियर जो पीछे करके ब्रेन के पिछले हिस्से में जो कॉर्टिकल है, एट्रॉफी का मतलब है कि बिल्कुल उसका स्पैज्म हो जाना, उसका आप कह लें हरकत ना करना, उसको हम कहते हैं एट्रॉफी, कि मसल्स जो है ना एक दफ़ा एक जगह से मूव ना कर पाएँ, उसको हम कहते हैं एट्रॉफी। तो पोस्टीरियर कॉर्टिकल एट्रॉफी है। फिर परकिंसंस डिजीज़ है डिमेंशिया। तो मैं अक्सर बच्चों आप लोगों से न्यूज़पेपर्स पढ़ने की बात करता हूँ, तो वो मैं इसीलिए कहता हूँ कि आप लोग जो है ना वो इन पे अक्सर पार्किंसंस पे, अल्जाइमर्स पे, यानी हेल्थ एंड फिटनेस का कोई कॉर्नर ज़रूर आता है और उस पे इनमें से किसी न किसी इशू पे ज़रूर बात हुई होती है। तो संडे के जंग का तो मुझे पता है, उसके साथ एक छोटा सा मैगज़ीन आता है 15-20 पेजेस का, तो वो आप ज़रूर पढ़ लिया करें, तो उसमें ये इस तरह की चीज़ें जो है ना उर्दू में आपकी क्लियर होना शुरू हो जाएंगी। तो इसके अलावा पार्किंसंस डिजीज़ जिसकी अभी मैंने बात की, फिर नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोसेफलस है। देखिए बहुत ज़्यादा उसका अगर प्रेशर होगा तो वो तो हमने पहले भी देखा, तो वो फिर ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी की तरफ ले जाएगा, लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर जो उसका इशू आता है तो ये नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोसेफलस है। तो इसकी वजह से जो मसला आ रहा है वो डिमेंशिया है, कि ये ब्रेन सेल्स को जो है नुकसान पहुँचाएगा, जिसकी वजह से कि वो जो इंसान है वो डिमेंशिया का जो है वो शिकार हो जाएगा। तो इस तरह ये हमारा जो है ना वो टॉपिक डिमेंशिया अपने इख्तिताम को पहुंचता है, और हमें जो है ना इस पर जितनी तफसील से हमने बात की है हमें क्लियर हुआ कि इसकी कॉजेज़ क्या हैं, डिमेंशिया होता क्या है, उसकी हमने कॉजेज़ जो है ना काफ़ी ज़्यादा डिस्कस की, और उसके अलावा उसकी टाइप्स पर हमने बात की। तो इस तरह डिमेंशिया जो है ना आपका कंप्लीट हो गया है। तो इन टाइप्स को आप यूट्यूब से भी हेल्प ले सकते हैं कि इनमें मसलन क्या क्या है, फ़र्क क्या है। बहरहाल ये डिमेंशिया की कॉजेज़ हैं, आपको इनके नाम ज़रूर आने चाहिए, और जो मेजर कॉजेज़ हैं जो चिल्ड्रन स्पेशल नीड्स को जो अफेक्ट करती हैं उनके फंक्शंस भी आपको आने चाहिए, पता होना चाहिए आपको कि ये कौन कौन सी किस किस वजह से है और उसका क्या क्या काम है, उसकी वजह से कौन कौन से ब्रेन सेल्स जो है वो डैमेज होते हैं, कहाँ से
ठीक है, तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा। आज की जो मोटिवेशनल कोट है वो है अल्बर्ट आइंस्टाइन की, जो कि आप कह लें कि दुनिया के बेहतरीन जो है ना वो साइंसदानों में उनका शुमार होता है। तो वो कहते हैं कि नेवर गिव अप ऑन वट यू रियली वॉन्ट टू डू, अल्बर्ट आइंस्टाइन। तो थेरी ऑफ रिलेटिविटी और एस्ट्रोफिजिक्स और जो है ना एटॉमिक फिजिक्स जो है ना, इसके हवाले से उनका एक नाम है न्यूक्लियर फिजिक्स के हवाले से, क्योंकि जो एटम बम या न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के हवाले से जितनी हम आज बात कर रहे हैं ये उन्हीं के कारहाए नुमाया में से है। तो उन्होंने तो ठीक है, इजाद तो एक बहुत बड़ी कर दी है, अब इंसान पे डिपेंड करता है कि वो उसको किस तरह का उसका इस्तेमाल करता है। तो जैसे मैंने पहले भी आपको एक न्यूरोचिप के हवाले से बात की है कि एक मुसलमान साइंसदान ने और एक पाकिस्तानी ने जो कि कैनेडियन में है, तो उन्होंने कैनेडा में है, कैनेडियन अब तो वो यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं, कैनेडा में रह रहे हैं, तो उन्होंने जो है ना वो अगर ये जो ना किया है उसको, तो अब वो ब्रेन चिप या ब्रेन चिप किस जिसको मैं नाम दे रहा हूँ, सिलिकॉन की जो चिप बनाई है उन्होंने ब्रेन के लिए, ब्रेन सेल्स के लिए, तो अब उसका कोई मुस्बत इस्तेमाल करे कोई मनफी इस्तेमाल करे वो तो इस्तेमाल पे डिपेंड करेगा, लेकिन फ़ायदे तो उसके हैं। इसी तरह न्यूक्लियर मेडिसिन और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से कितने आला किस्म के जो है ना हाइब्रिड किस्म के जो है ना बीज और ये सारे फ़ायदे तो हैं, अब इंसान उसका कैसे इस्तेमाल करता है उस पर डिपेंड होगा। तो वो कहता है कि नेवर गिव अप ऑन वट यू रियली वॉन्ट टू डू, कि आप जो कुछ करना चाह रहे हो भाई उसको तर्क नहीं करो, उस पर डटे रहो, पीछे ना हटने का नाम ही जिंदगी है आपने मकसद हासिल करने के लिए। तो आप पढ़ रहे हैं, आप जो कुछ भी बनना चाहते हैं, आप कोई कारोबार खोलना चाहते हैं, आप जो है ना वो कोई पढ़ाई में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, कोई नया स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, कोई जो है ना इंटरनेशनल लेवल पे आर्टिकल्स लिखना चाहते हैं, आप जो कुछ भी करना चाहते हैं आपको अपने मिशन से नहीं हटना चाहिए, नेवर गिव अप। और इस्लाम भी यही कहता है, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वही बात कि जब उनके चचा ने कहा कि भाई आप जो है ना वो बाज आ जाएं तबलीग से, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि अगर ये लोग मेरे एक हाथ पर सूरज और एक हाथ पर जो है ना वो चांद भी लाकर रख दें तो भी मैं अपने मिशन से नहीं हटूंगा। तो हमें ये मतलब ऑर्डिनरी पीपल, इनकी तो आम जो है ना वो जो लोग हैं, मैं तो इनकी को एग्जांपल दे रहा हूँ, हमारे पास तो हमारे रहबर, हमारे रहनुमा, हमारे हादी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई कोट्स हैं, वो कितने जो है ना अच्छा हमें गाइड कर रहे हैं। तो हमें जो है ना वो ये सारी हमें बातें पता होनी चाहिए, हमें अमल करना चाहिए। तो विद दिस कोट ऑफ अल्बर्ट आइंस्टाइन, नेवर गिव अप ऑन वट यू रियली वॉन्ट टू डू, आई वॉन्ट टू से यू थैंक यू एंड गुड लक।